कांग्रेस है, बीजेपी की एक मीटिंग ईटिंग एंड चीटिंग तीन सिद्धांत हैं, इन पर चल रही है। मीटिंग भी करेंगे, ईटिंग भी करेंगे, फिर लोगों से चीटिंग भी करेंगे। आपने देखा करी चीटिंग, लोगों को क्या कहा था, क्या मिला लोगों को, ये चीटिंग नहीं दो और क्या लिया हो। उस वो जो है ना सांप का काटा और रस्सी से भी देख के चलता है, है? एक बार दूध गजड़ा फूक फूक कर लस्सी को भी फूक फूक मार के पीता है। तो पहले भी बीजेपी ने का कुलदीप बिश्नोई का गठबंधन हो चुका है, उन्हें पहले उसको देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि दोबारा कोई ऐसा कदम बिश्नोई जी उठाएंगे। समझदार व्यक्ति है वो, तो ठीक समय पर ठीक पर। लेकिन आपके प्रदेश मलिक साहब आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या कहते हैं? राजीव गांधी युवाओं के आइकॉन थे। राजीव गांधी जी सबसे कम उम्र के देश के प्रधानमंत्री, देश के विदेशों में भी इस उम्र का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, और उन्होंने थोड़े ही कार्यकाल में ऐसे काम किए हैं। सबसे बड़ा काम तो युवाओं की राजनीति में भागीदारी, 21 साल से 18 साल के युवा की जो है वोटिंग का अधिकार दिया। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। उस समय जो भ्रष्टाचार की बात थी, इन्होंने कहा ऊपर से जो पैसा आता है वो नीचे सही नहीं लगता, और उस पर जो है फोकस किया। इसके और पंचायतों को जो अधिकार दिए, आम पैसा लगाने का काम करने का अधिकार पहले नहीं था पंचायतों को, राजीव गांधी जी ने दिया। और आज डिजिटल इंडिया की जो बात करते हैं उसकी शुरुआत राजीव गांधी ने की। भारतीय जनता पार्टी तो इसका विरोध करती रही और बैलगाड़ी पर जो है संसद में गए इनके खिलाफ, लेकिन राजीव गांधी ने दूर संचार क्रांति लेकर कंप्यूटर का युग जो है का शुरुआत की, और आज देश इसमें उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा। तो स्कूलों में नई व्यवस्था, गरीब आदमी को अच्छे स्कूलों में पढ़ाई का कोई स्थान जगह नहीं थी, उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय देश में खोल कर डिस्ट्रिक्ट वाइज खोलने का वो किया, और गरीब बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा का जो प्रावधान किया। तो उनकी बहुत बड़ी सोच थी और इतने साल, और कांग्रेस की जो सोच थी जो इंदिरा गांधी ने किया, वो जो जवाहरलाल नेहरू ने किया, उस सोच को आगे बढ़ाया थोड़े समय में और भारत ने काफ़ी तरक्की की। निकाय चुनाव की घोषणा कभी हो सकती है? पार्टी तैयार है, पार्टी लोग तैयार बैठे, लोगों की बीजेपी सरकार से तंग आ चुके हैं। हर गरीब आदमी, कोई कर्मचारी है, कोई व्यापारी है, हर वर्ग इसे त्रस्त है और इसके खिलाफ वोट देने के लिए तैयार बैठे बीजेपी। जिस तरह से बीजेपी वाले लगातार मीटिंग कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी दो दर्जन से ज़्यादा चाय पी के गए हैं यहाँ पर, कांग्रेस की इस तरह की कोई तैयारी? ऐसा है, बीजेपी की एक मीटिंग ईटिंग एंड चीटिंग तीन सिद्धांत हैं, इन पर चल रही है। मीटिंग भी करेंगे, ईटिंग भी करेंगे, फिर लोगों से चीटिंग भी करेंगे। आपने देखा करी चीटिंग, लोगों को क्या कहा था, क्या मिला लोगों को, ये चीटिंग नहीं दो और क्या। तो लोगों को ये जो बेरोजगारी दूर करने की बात करते थे, कहाँ गई वो बेरोजगारी वाली बात, महंगाई की दूर करने की बात करी, कहाँ गई दूर महंगाई, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करी, कहाँ गए भ्रष्टाचार। ये लोगों को बहकाते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं है। आज लोग इनसे दुखी है और इनसे पीछा छुड़ा रहे थे। तो आपने जिस तरह से बताया कि तैयारी पूरी है, इतने पैनल में नाम आ चुके होंगे, देखो नाम उम्मीदवार के अभी डिक्लेयर तो होने दो, उसके बाद आएगी लिस्ट भी आएंगी सारी बात होगी। अगर हाईकमान का जो ऊपर से सिस्टम होगा, हाईकमान क्या फैसला करते हैं, किस ढंग का फैसला करते हैं, वो भी हाईकमान की मीटिंग होनी है अभी। और जल्दी ही कांग्रेस जो है ना, जैसे ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियाँ हैं, आपके शहर की नियुक्तियाँ हैं, ये सारे काम जो अब पाइपलाइन में चले हुए हैं, इन पर सोच चली हुई है, और जल्दी ही जो है ना सारे ढांचे को खड़ा करके और इस पर काम शुरू हो। जिस तरह से मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? मुझे नहीं लगता उसमें कोई
एकदम इस बात में कोई दम हो भाई कोई अलग पार्टी बनाने की या उसको जाने की, क्योंकि मेरे ख्याल में एक पहले जिसने एक बार जेल लिया हो उस वो है ना सांप का काटा और रस्सी से भी देख के चलते हैं है? एक बार दूध गजड़ा फूक फूक कर लस्सी को भी फूक फूक मार के पीता है, तो पहले भी बीजेपी ने का कुलदीप बिश्नोई का गठबंधन हो चुका है, उन्हें पहले उसको देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि दोबारा कोई ऐसा कदम बिश्नोई जी उठाएंगे, समझदार व्यक्ति है वो, ठीक समय पर ठीक है। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष का तो कहना ही है कि उनके जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा पार्टी। नहीं देखो पार्टी तो चलती रहती है, पार्टी को कोई चला जाए पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये उनका इस संदर्भ में नहीं था, उनका संदर्भ में उन तो ये कहते भाई इतने मेरे लिए आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी, उनका भी आदर करते हैं, और मैं ये समझता हूँ ऐसा कदम कुलदीप बिश्नोई पहले उठा चुके हैं, कई बार अलग पार्टी भी बना के देख ली, बीजेपी की सपोर्ट भी करके देख ली, अब क्या चाहते हैं आप? पार्टी का कोई भविष्य हरियाणा में है नहीं, आप पार्टी में तो अशोक तंवर जी भी घूम फिर के आगे हैं, लेकिन आप पार्टी का यहाँ हरियाणा में कोई आगे कहूँ तो पार्टी में ही, यहाँ पार्टी में हम पार्टी अशोक तंवर नहीं, ये तो उसमें थे ना, कौन सी पार्टी है? टीएमसी में थे, टीएमसी में थे, अब इसमें आगे क्या? आम आदमी पार्टी में अब आइए। भाई साहब दूसरे राज्यों से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कौन से? पंजाब से गए हैं। स्वार्थी आदमी जाएगा भाई, कांग्रेसी तो नहीं जाएगा, इसको स्वार्थ हो तो चला जाएगा। 40 साल पुराने जो बड़े चेहरे थे उनको उम्मीद उनको ये उम्मीद थी तुम्हें चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाएंगे, वो नहीं बना, अब प्रधान भी नहीं बने। अच्छा गोहाना नगर परिषद चेयरमैन की जो बात की जाए, शहर में कई तरह की चर्चाएं हैं, कोई नया चेहरा आएगा या किसी पुराने कार्यकर्ता पर विश्वास जताए? आप बताओ क्या चर्चा है, वो तो बताओ चर्चा क्या है, आपने तो बताया चर्चा क्या है, मेरे सामने तो कोई चर्चा नहीं आई, मेरे सामने कोई चर्चा नहीं आई, आपके सामने आई, हमारे सामने तो नहीं चर्चा, किसी नए चेहरे पर दाव लगाएगा मेरे पास। पूरा अखबार भरिया पड़िया से महंगाई, अपराध, लूटपाट, बड़ी लड़ाई लड़कया सरकार बनाई थी, हरिया भी उसी लेकड़ी जिसी पास ली थी। ठीक कैसे भाई, इनने भी दे रखी सब ताई छूट, चाहे कोई कितनी मचाओ लूट, पर आपा करा भी के विपक्ष से ना बोलता दिखता। एक का मानस से मैं माड़ा बलराज कुंडू जो इनके खिलाफ आवाज ठाण लाग रहा से। अरे पर वो तो एकला से है। ना 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 ना, ई एकला कौन है? ई बलराज कुंडू ने मारी लड़ाई लड़न खातिर एक मंच बनाया से, जन सेवक मंच। या तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो लोग उसके बारे में ठीक कहें हैं, जो नेता नहीं यो से भाई और बेटा, शासक नहीं यो से जन सेवक है। हाँ पर ई बलराज भाई ने एकला नहीं छोड़ांगे, उसकी गैल लगांगे, बोले तू मेरे साथ में और योले जन सेवक मंच का झंडा हाथ में। जन सेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।